गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास टेंथ की क्लास है और सब्जेक्ट बायोलॉजी और लेसन वन का ही एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लीवर, एक हिंदी में इसे कहते हैं यकृत या जिगर या कलेजा। ठीक, हिंदी में से कई नाम है, इंग्लिश में सिर्फ इसे लीवर कहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो है उन्हें वीडियो समय से पहुंचते रहे। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है लीवर, हिंदी में से कहते हैं यकृत, इसका दूसरा नाम होता है जिगर या कलेजा। ठीक, तो आपके सामने ये फिगर बना हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो फिगर बनाएंगे, फिगर इंपॉर्टेंट है, इसमें फिगर को बना लेंगे। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि क्या होता है लीवर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है शरीर का तो लीवर है। तो अब लीवर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या है लीवर की स्ट्रक्चर में। तो देखिए, जो लीवर होता है वो दो पिंडों में बटा होता है। एक देख रहे होंगे आप, ये बड़ा पिंड है और ये एक छोटा पिंड है। तो जो बड़ा पिंड है उसे बोलते हैं मेन राइट लोब। ठीक, मेन राइट लोब, मुख्य दायां पिंड। ठीक, इसी प्रकार से जो छोटा पिंड है उसे बोलते हैं लेफ्ट लोब। ठीक, बाया पिंड। ये जो दोनों पिंड है, मेन राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ये दोनों एक प्रकार के लिगामेंट्स। ठीक, स्नायु, हिंदी में कहते हैं लिगामेंट्स को स्नायु। तो लिगामेंट्स या स्नायुओं के द्वारा जुड़ा होता है और उस लिगामेंट्स का नाम है फैलसीफॉर्म लिगामेंट्स। ठीक, उस लिगामेंट्स का नाम है फैलसीफॉर्म लिगामेंट्स, फैलसीफॉर्म लिगामेंट्स। ठीक, तो और जो लीवर होता है उस लीवर से एक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका जुड़ी होती है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर, हिंदी में इसे कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय लगा रहता है। ठीक, और इसके नीचे एक बाइल डक्ट होती है। ठीक, बाइल डक्ट होती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया लीवर का। अब लीवर में लिखेंगे क्या, तो लीवर में सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे इसके फैक्टरों से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना कि लीवर में क्या क्या लिखेंगे। तो लीवर में सबसे पहले लिखेंगे कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिश्रावी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहिश्रावी, अंतःस्रावी नहीं, बहिश्रावी, बहिश्रावी ग्रंथि होती है। तो लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिश्रावी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहिश्रावी ग्रंथि होती है। ठीक, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथ कौन होती है, तो हम बताएंगे यकृत। ठीक, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि लीवर होती है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है और इसका जो भार होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लीवर हमारे शरीर में होता कहां पर है, तो लीवर जो होता है वो उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे से होता है। उदर गुहा में ये जो पूरा होता है ये उदर गुहा होती है। उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। इतना लिखने के बाद फिर हम चित्र का लिखेंगे कि
जो लीवर होता है वो दो पिंडों में बटा होता है, जो बड़ा पिंड होता है उसे मेन राइट लोब कहते हैं, जो छोटा पिंड होता है उसे लेफ्ट लोब कहते हैं। बड़ा पिंड और छोटा पिंड जिस स्नायु अर्थात लिगामेंट के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है उसे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। लीवर से ही एक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना जुड़ी होती है जिसको गॉल ब्लैडर प्रत्याशय कहते हैं। इसी से ही एक बाइल डक्ट निकलती है, इतना हमारा लिख जाएगा। ये तो हो गया लीवर के विषय में क्या लिखना है। अब इंपॉर्टेंट है इसके कार्य, पूछा जाएगा कि आप लीवर के कोई 4 कार्य बताइए, 5 कार्य का वर्णन करिए, तो लीवर के कार्य क्या होते हैं। लीवर के कार्य बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कार्य क्या है, इसमें बना पित्तरस, इसमें मतलब यकृत, यकृत में बना पित्तरस भोजन के पाचन में सहायता करता है। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं जब हमने पित्तरस के कार्य बताए थे, तो पित्तरस के कार्य में हमने पित्तरस का पूरा वर्णन कर दिया था कि पित्तरस क्या करता है और उसका काम क्या है। तो यही इंपॉर्टेंट यह है कि पित्तरस बनता कहाँ है, तो पित्तरस बनता है यकृत में और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय। ठीक, तो जो पित्तरस होता है पित्तरस यकृत में बनता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक, और इंपॉर्टेंट बात है कि जो पित्तरस होता है उसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, केवल ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। ठीक, अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट का, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, आखिर वो शुगर क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, तो हम आपको बताएंगे। तो उसके पहले हम आपको दूसरा कार्य बताएंगे, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलेसिस क्रिया। जो यकृत होता है, यकृत में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियाएं चलती हैं जिसका नाम होता है ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलेसिस। अब दिमाग में प्रश्न उठता है कि ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलेसिस होता क्या है। ठीक, तो हम आपको बताएंगे अभी ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलेसिस, इसकी व्याख्या हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे। अगला तीसरा कार्य देख लेते हैं, ये जो यकृत होता है वो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल, हमारे शरीर में जो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल आ जाते हैं, तो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को डीएमिनेशन से अमोनिया में बदल देता है। किसको, अमीनो अम्लों को, काहे बदल देता है, अमीनो अम्लों में जो अमीनो अम्ल है उनको अमोनिया में बदल देता है, और किस क्रिया के द्वारा, तो डीएमिनेशन क्रिया के द्वारा, डीएमिनेशन क्रिया के द्वारा अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। अब होता क्या है अगले स्टेप में, ये समझ लो चाहे तो दोनों एक ही कार्य हैं, चाहे समझ लें जो है दोनों अलग अलग हैं। तो जो अमोनिया बनी, अब डीएमिनेशन से क्या बन गई, अमोनिया बन गई। अब अमोनिया, हम लोग अमोनिया का तो उत्सर्जन करते नहीं, हम लोग तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में यूरिया होती है, यूरिया का निर्माण भी यकृत करता है, यूरिया का निर्माण भी यकृत करता है। और कैसे करता है, तो जो अमोनिया बनी किसके फलस्वरूप, डीएमिनेशन के फलस्वरूप, डीएमिनेशन अमीनो अम्लों के डीएमिनेशन से जो अमोनिया बनी, उस अमोनिया को यकृत CO2 से क्रिया कराता, जो अमोनिया बनी उस अमोनिया को यकृत CO2 से क्रिया कराकर यूरिएज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, यूरिएज नामक एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया में बदल देता है। किस क्रिया के द्वारा, तो यूरिया का निर्माण कर देता है ये। इसमें यकृत में एक चक्र चलता है जिसका नाम होता है आर्नथिन चक्र। ठीक, आर्नथिन चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप जो यकृत है वो अमोनिया को CO2 से क्रिया कराकर यूरिएज नामक एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया बदल देता है। ठीक, और ये तो हो गए इसके चार कार्य हो गए। पांचवा कार्य क्या होता है, ये जो यकृत होता है उसको आप ऐसे ही नोट कर लेना, सुन के नोट कर लीजिए, जो यकृत होता है वो यकृत विटामिन ए का कुछ मात्रा में संश्लेषण कर लेता है। ठीक, विटामिन ए का भी कुछ मात्रा में संश्लेषण कर लेता है और
विटामिन ई डी के, ठीक, जो ये जो विटामिन होती है इनका भी संचय अपने अंदर कर लेता है। ठीक, ये हो गया पांचवा कार्य। छठा कार्य क्या हुआ इसका, ये हमारे शरीर में रुधिर का प्रतिजामन, एंटीकॉगुलेंट। जो प्रतिजामन क्या होता है, जो हमारे शरीर में रुधिर को जमने ना दे। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं चोट लग जाती है तो शरीर से जब ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने पर कुछ देर बाद उधर जो है उसका रुधिर का थक्का जम जाता है। तो जो रुधिर का थक्का जम जाता है तो वो रुधिर का थक्का तो बाहर निकलने पर जम जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो रुधिर का थक्का हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता, जबकि हमारे शरीर के अंदर जो है सिराओं में धमनियों में ब्लड बहता रहता है, तो वो रुधिर का थक्का क्यों नहीं जमता? तो उसका उत्तर हम आपको इसके कारण में ही देंगे। तो जो लीवर होता है वो लीवर क्या करता है, हमारे शरीर में एक रुधिर का प्रतिजामन एंटीकॉगुलेंट होता है जिसका नाम होता है हिपैरिन। क्या नाम होता है? हिपैरिन। रुधिर का एक प्रतिजामन होता है जिसका नाम होता है हिपैरिन। इस हिपैरिन का भी संश्लेषण करता है, इस हिपैरिन की वजह से ही हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। ठीक, तो हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है इस हिपैरिन की वजह से। तो ये इसके कारण हो गए। अभी हम आपको बताए थे कि ग्लाइकोजिनोसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस जो क्रिया है उसको हम आपको अभी बताएंगे। तो ये क्रिया क्या होती है, ये आपने सुना होगा कि डायबिटीज होती है, शुगर होती है, तो इसी जब ये क्रियाएं नहीं चलती है तो डायबिटीज या शुगर हो जाती है। होता क्या है इसमें, देखिए हम लोगों ने भोजन जो खाया, भोजन खाने के बाद वो भोजन हमारी छोटी आंत तक पच जाता है, पूरी कंप्लीटली तरीके से पच जाता है। पचने के बाद जो उससे पोषक पदार्थ निकलते हैं वो पोषक पदार्थ यकृत निर्वाहिका शिरा तंत्र के द्वारा, यकृत निर्वाहिका शिरा तंत्र के द्वारा वो पोषक पदार्थ हमारे यकृत में आ जाते हैं, लीवर में आ जाते हैं। और जब लीवर में आ जाते हैं तो होता क्या है, जो वो पोषक पदार्थ हमारे लीवर में स्टोर हो जाते हैं। अब स्टोर हो जाते हैं तो लीवर करता क्या है, उन पोषक पदार्थों की जितनी मात्रा शरीर को आवश्यक होती है उतनी मात्रा ब्लड में छोड़ता जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा ना हो, जैसे लीवर जो है वो लीवर हमारे पोषक पदार्थों को अपने अंदर संचित ना करे और पूरी की पूरी मात्रा में अगर वो हमारे ब्लड में मुक्त हो जाए तो क्या होगा, तो वही देखते हैं। इस पहले वाले कार्य को हम मिटा देते हैं। ठीक, तो जो देखिए, तो जो ग्लाइकोजेनेसिस में होता क्या है, अगर ये ब्लड जो यकृत है अगर पोषक पदार्थों को अपने अंदर संचित ना करे तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए, जो भी हमारे यकृत में ग्लूकोज आया पोषक पदार्थों के पचने के बाद, जो भी ग्लूकोज हमारे लीवर में आया, यकृत में आया, वो क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। आप लोगों ने सुना होगा कि जब शुगर हो जाती है, किसी को डायबिटीज होती है, तो उसको इंसुलिन के हार्मोन या इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो जो हमारे लीवर में ग्लूकोज आता है पोषक पदार्थ बनकर, तो उसको इंसुलिन हार्मोन की सहायता से एक ग्लाइकोजन, अघुलनशील प्रोटीन होती है ग्लाइकोजन, तो इंसुलिन जो लीवर होता है वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा जो ग्लूकोज आया उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक,
ग्लाइकोजन में बदल देता है, यही क्रिया ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ दे आपसे कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया क्या होती है, कहां चलती है? तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या होता है कि जो लीवर होता है वो ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की सहायता से जो है ग्लाइकोजन में बदलता है, यही क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। अब दूसरी क्रिया है ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब देखिए, मान लीजिए आपको किसी कारणवश किसी परिस्थितियों में कुछ समय के लिए भोजन नहीं मिल पाया, तब क्या होगा? मान लीजिए आप कहीं गए और आपको भोजन नहीं प्राप्त हो पाया, जिस समय आपको भूख लगी उस समय भोजन नहीं मिल पाया, तो क्या होगा? तब क्या होता है? तब जब भूख लगती है और भूख लगने के बाद हमारे शरीर में जब भोजन की डिमांड बढ़ती है तो लीवर क्या करता है? तो लीवर जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन इकट्ठा हो गया है लीवर में, अब भोजन ना मिलने की वजह से वही ग्लाइकोजन जो होगा ग्लूकेगान, कौन सा हार्मोन? ग्लूकेगान हार्मोन की सहायता से, ग्लूकेगान हार्मोन की सहायता से पुनः ग्लूकोज में बदल देगा, पुनः ग्लूकोज में बदल देगा। ये क्रिया आपकी जो है ग्लाइकोजिनोलेसिस कहलाती है। मतलब जब हमें भूख लगी भोजन नहीं प्राप्त हुआ तो जो हमारा लीवर होता है वो हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाता है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकेगान हार्मोन की सहायता से पुनः ग्लूकोज बदल लेता है और हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इस ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त हो जाती है। इसी क्रिया को हम ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रियाएं होती हैं लीवर के द्वारा। अगर ये क्रिया नहीं होगी तो इंसान में डायबिटीज शुगर की बीमारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा है वो लीवर कंट्रोल करता है और उस शुगर को जो ग्लूकोज होता है शुगर होता है उसको ग्लाइकोजन में संचित कर लेता है। अगर हमारे शरीर में ग्लाइकोजन संचित नहीं होगा तो क्या होगा कि वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज मुक्त होता रहेगा और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। यही क्रिया डायबिटीज कहलाती है। इसको डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति के डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको कॉपी पर आपको नोट करना है, फिगर का अभ्यास करना है, इसके कार्यों को जितने भी अभी तक हमने कार्य बताए हैं सबके उन सबको याद करना है। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। थैंक यू।